हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते इट्स मी ज़िदान मेरी चैनल वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िदान शाहिद अली होप यू आर डूइंग गुड हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल क्या बोलते हैं सब खैरियत सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सानिया के एचएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं वाओ सानिया कांग्रेचुलेशंस मबरूक कांग्रेचुलेशंस दीदी मबरूक बहुत मुबारक 12 साल की मेहनत ये 12 साल कितना आया परसेंटेज बताएंगे अभी नहीं सबसे पहले तो अलग अलग लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ये जो हमारी खुशियां हैं ये बांटने हम दरगाह शरीफ जा रहे हैं माशाल्लाह आप भी चलो साथ में तो वापस आते आते केक तो बनता है क्या बोलते सीधा हाँ केक तो बनता है दीदी का उस पर परसेंटेज भी लिखेगा लेकिन अचानक में 25th जो डेट थी वो अनाउंस हो गई क्या तुम क्या बोल रहे थे परसेंटेज लिखेंगे उसके ऊपर हाँ उस पे परसेंटेज लिखा हुआ अच्छा सब सही आइडिया तुम्हारे टाइम में भी शायद किए थे ना हाँ मेरे टाइम पे भी लिखा था जब रिजल्ट जब सामिया लोग चेक कर रहे थे थोड़ा सा शूट किया था पर हम लोग आपका नाम को सुनकर दूर से चल के हैं आए शाह बगदाद के दिलबर प्यार आंखों में है लाए होके मायूस जो लौटे ताने देगा जमाना वास्ता ख्वाजा का तुमको हमें खाली ना फिराना शहर उत्तम के शहनशाह बात सामिया की ना टालो शान है सरकार बाले शाह बाबा की ऐसी जो बयां हो नहीं सकती माशाल्लाह माशाल्लाह बैक टू होम ड्रेस भी चेंज माशाल्लाह हम बाहर से जाकर आए तो माशाल्लाह जनाब पहले बोलता माशाल्लाह नहीं जरूरी हर बात तो माशाल्लाह हर बात पे अल्लाह की तारीफ करना जरूरी है मतलब जैसे ही शाम को सामिया को लिंक आया कॉलेज की तरफ से कि कल अनाउंसमेंट है वगैरह वगैरह तो जब से सबको एंजाइटी हो गई नहीं सो पाए रात भर फिर सुबह उठे तो फिर 2 बज रहे जल्दी 2 बजे रिजल्ट आउट होने वाले थे फिर 2 बज रहे जैसे तैसे 2 बजे तो फिर 2 बजे फिर सबकी हालत ख़राब रोना धोना सब लॉग इन नहीं हो रहा फिर इंटरनेट जैम हो जाते ना जितने भी फोन घर में सबको लॉग इन करके रख दिए उसमें हुआ अरे इसमें हुआ उसमें हुआ लेकिन पापा से ही हुआ मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ही ये तो होता ही है यार 12th SSC फिर 12th फिर अब इसके बाद ग्रेजुएशन भी आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह देखो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही दिन पहले हम लोग ने सामिया का SSC का हम लोग ने सेलिब्रेशन मनाया था अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते सामिया 12th भी पास कर चुकी है वेरी गुड परसेंटेज अभी तक रिवील नहीं किया ना परसेंटेज नहीं 12 नहीं बोला जाएगा ना 12 साल की तो मेहनत है पूरी 12 साल की तो ना अरे नर्सरी जूनियर सीनियर अच्छा जिदान शायद नर्सरी नहीं पढ़ा
सिद्धांत डायरेक्ट जूनियर के जी में गया था, डायरेक्ट किंडर गार्डन किया उसने, बिल्कुल तो याद भी नहीं क्योंकि ना जो कुछ भी था नर्सरी जूनियर सीनियर सब सामियो पढ़ाती थी। हाँ उतनी छोटी सी थी वो पढ़ाती थी उसको दीदी पढ़ाती एक बच्चे के पीछे माँ बाप की 15 साल की मेहनत होती है माँ बाप की। मम्मा ने मुझे पहले से ही बोले कि सामिया तुम ये 12th नहीं दे रही हो, तुम एस वाई जैसे नहीं दे रही हो, तुम अपने पूरे 12 साल की मेहनत दिखा रही हो। हाँ, ये रिजल्ट जो आएगा ये सिर्फ एसएससी का रिजल्ट मतलब आसान नहीं था यार। जब भी कॉलेज लेके जा रहा हूँ मैं उसको जो एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन हॉल के बाद छोड़ रहा हूँ, जब वो अंदर जा रही तो जिस तरह से मुझे देखती थी फिर वो डर लगा रहता था। जब वो जब तक के वो अंदर है 3 घंटे तक का वो पेपर्स ट्राई कर रही है, पेपर्स लिख रही है, तो बाहर भी हम लोग की क्या हालत रहती थी। तो इतना आसान नहीं रहता ये जो सफर, और इसके बाद जब रिजल्ट्स आउट होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, अल्लाह का शुक्र अल्लाह। तो बोलते ना मेहनत का फल मीठा, तो ये मेहनत का फल है जो मिला है रिजल्ट के जरिए, बहुत खुशी मिल रही है। सामिया यू हैव मेड अस प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड ऑफ यू माय लिटिल फ्लावर, बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुश्किल तो होता ही है, 28 पेजेस का आंसर शीट रहता है, सिद्धांत को पता है कितना लिखना पड़ता है, और पता है आंसर जब याद रहते हैं तो पता भी नहीं चल रहा कि हम लोग कितना लिख चुके हैं। और फिर जो पेपर रीचेक करते एक बार तो देखते हैं बाप रे इतना लिख चुके हैं हम लोग, जो पेज का क्वेश्चन आंसर इतने बड़े बहुत लिखना पड़ता है। और बाकी सब बच्चों का भी रिजल्ट पता चला है, बहुत अच्छे मार्क्स आए, कांग्रेचुलेशंस बच्चों सबको, और बहुत कांग्रेचुलेशंस, बस अल्लाह ताला हर बच्चे की नसीब बुलंद करे, ऑल द बेस्ट आगे आपके फ्यूचर के लिए। चलो फिर रिवील करो यार, परसेंटेज रिवील करो, चलो रिवील करो परसेंटेज, कौन रिवील करेगा? जिदान करेगा। हाँ जिदान करेगा, लेकिन तुम्हारे है ना तो मम्मा करेगी। अच्छा एक मिनट, पापा करेंगे। बचपन वाला खेल खेलते, बचपन वाला अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 से निकला था का चोर निकल के भागा। जिदान है ना, रिवील करेगा, उसके बाद हम लोग केक भी कटिंग करते हैं, ठीक है? चलो जिदान रिवील। फाइनली आप सब लोग एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था, केक से रिवील करते क्या? केक पर तुमने प्रिंट किया है ना, मुंह से मत करो है ना, मुंह से नहीं, वर्बल नहीं करते, विजुअल करते हैं। तो अभी इसके बाद आप लोगों के सामने आएगा केक का विजुअल्स, जिसके ऊपर सामिया का परसेंटेज प्रिंटेड है, ठीक है? 5, 6, 7 ये रहा। कंग्रेचुलेशन सामिया, चलो जल्दी से फिक्स करो, तुम भी फ्रेम में आ जाओ, ठीक है? सो ऑल सेट, रेडी? ब्लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, आई वांट टू नो द वर्ल्ड आई एम हैप्पी एज कैन बी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जुबिलेशंस, आई वांट टू नो द वर्ल्ड आई एम हैप्पी एज कैन बी। कॉन्ग्रेचुलेशंस सामिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मस्त है केक। किसने लाया केक? कौन डिसाइड किया ये केक? वेरी नाइस केक है। आज आज मैंने डिसाइड किया। कौन सा केक है ये? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक है। खुशियों की खबरें आते जा रही है और केक्स भी आते जा रहे हैं, और
मुंह मीठा होते जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का भी इसी तरह, आप लोगों की जिंदगी भी इसी तरह केक की तरह मीठी मीठी गुजरे है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार कर रहे हैं आप लोग, इतनी दुआएं दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को ये भी बताना है कि बिना कोचिंग क्लासेस के सामिया है, प्राउड ऑफ यू सामिया, खुद से यूट्यूब भी हैंडल कर रही है और उसने एग्जाम्स भी बराबर से दिया, और उस वक्त दीदी मुझे भी पढ़ाते थे, ऐसे नहीं खुद ही पढ़ते थे, मुझे भी पढ़ाते थे वो टाइम पे। फिर जिदान के भी एग्जाम्स आ गए थे, जिदान को भी हेल्प करती थी वो, घर के भी काम तो करती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मम्मा को भी हेल्प करती है वो, अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें संभाल रही है, मल्टी टैलेंटेड। बहुत माशाल्लाह सामिया मल्टी टैलेंटेड, मैं जाहिर नहीं कर सकती खुशी, मतलब वो बोलते ना बेटिया बेटिया नेमत होती है, वाकई में ये अल्लाह ताला ने जो सामिया बेटी हम लोग को दिया है ये हम लोग के लिए नेमत थी, अल्लाह का शुक्र है, और हमारा बेटा भी नेमत है, ये रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इसी तरह तरक्की करो सामिया, आगे बढ़ो, खुश रहो, हम लोग को प्राउड फील कराओ, हमारी फैमिली को प्राउड फील कराओ, है ना, वो लोग सब तुमको फॉलो करते हैं, बहुत खुश है तुम्हारे से वो लोग, दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू, सो बस कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग, ये तो अभी शुरुआत है ना, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं एक सॉन्ग गाऊं हमारा फेवरेट है, अच्छा पता चला, गाओ गाओ। हम सब जो साथ में रहे खुशियां सब हाथ में रहे, गम से बस फासले रहे, किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी, अगर मिलके एक दूसरे से कहे यू, हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, तो समझो जरा ये हवाओं का इशारा, मेरे यारो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, वो नाइस सॉन्ग, सिचुएशनल सॉन्ग, थैंक यू फॉर द इमेंस लव एंड सपोर्ट। चलो रिलैक्स, होता है होता है, क्यों आंसू ये तो निकलेंगे नहीं, टिश्यू टिश्यू, हाँ एकदम से नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हो सब कुछ, आप रोना नहीं चाहती थी फिर भी ना निकल जाते आंसू, अच्छा चल ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक है, फिर चलो बस यही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, हमने छोटी मोटी हमारी खुशी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, सारी चीज़ें अभी जो भी सेलिब्रेशन आ रहे हैं हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो ये भी तो बनता ही था, ये सेलिब्रेशन भी बनता ही था ये, तो बस थैंक यू सो मच, और वंस अगेन हमारे प्यारे बच्चों आप लोगों ने जिसने भी अपीयर किया अभी इस बार HSC और थोड़े दिन पहले SSC के भी रिजल्ट आए हैं, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत खुशियाँ आप सब लोगों को, आप सब लोगों के माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों के माँ बाप ने भी आप लोगों के पीछे मेहनत की है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद है हम लोग की तरफ से, और वंस अगेन सामिया कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वायर्ड 66.17% ऑन HSC, वाओ थैंक यू, तुमको भी बहुत बहुत मुबारक, तनो तुमने बहुत मेहनत की हो सामिया के पीछे, सदान भी, सब लोग हम सब लोग ने मिलकर जो भी किया हम सब ने, ये हमारा रिजल्ट है, ये पूरी फैमिली का रिजल्ट है एक्चुअली सामिया का, तो बस अभी सिदान तुमको ऑल द वेरी बेस्ट, तुम्हारे अभी तुम अभी आ गए हो 12th में, अभी तुम्हारा SY है, ऑल द बेस्ट तुमको, तुम भी थैंक यू मेहनत करो, मुझे मालूम है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी फाड़ देंगे परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस हाँ पेपर नहीं, परफॉर्मेंस पेपर नहीं। मेरे कॉलेज के सारे सर और मैम को भी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच टीचर्स, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्रिया दिल से, थैंक यू। चले फिर अलविदा, तो चलो बातें तो बहुत सारी करना है, बहुत सारी जर्नी है ना, नर्सरी से लेकर 12th तक है, क्या क्या करी सामिया ने, क्या क्या नहीं करी, वो बहुत बड़ा हो जाएगा।
टाइम मिलेगा तो आप लोग शेयर करूंगी साम्या का फर्स्ट ट्रॉफी, साम्या ने फर्स्ट लिखी थी ए बी सी डी, वो भी सब रखा हुआ है मेरे पास। अलग से व्लॉग बनाएंगे उसमें शेयर करेंगे, ठीक है? चलो फिर अलविदा मेरे तरफ से आप सब लोगों को, बहुत बहुत खुदा हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, शाद रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो, खुश मिजाज रहो। शुभरात्रि, शब खैर, गुड नाइट। तो अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखना और जुफरा के अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलो। जल्दी हाजिर हो एक नए वीडियो के साथ। जब तक कि टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आप सबके अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बाय बाय, लव यू ऑल। इट्स मी इज़नान, यूट्यूब फैमिली की जा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन। कांग्रेचुलेशंस दीदी। कांग्रेचुलेशंस आया। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा है। हां, मैं बार बार मेरी पसंद का है। मेरी बार बार नजर की पे जा रही हूं। अरे नहीं, कुछ फोटोज क्लिक कर। चलो कट।